विधानसभा चुनाव के लिए क्या है केजरीवाल का प्लान। नमस्कार, मैं पलक जैन और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। केजरीवाल महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए नहीं। वहीं झारखंड में भी वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए हुंकार भरेंगे, लेकिन कांग्रेस के लिए करेंगे या नहीं, ये साफ नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हरियाणा चुनाव के बाद से केजरीवाल ने कांग्रेस पार्टी से पूरी तरह दूरी बना ली है, क्योंकि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। दोनों के बीच एक साथ चुनाव लड़ने को लेकर सहमति नहीं बन पाई थी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उसे 37 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। वहीं आम आदमी पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। आम आदमी पार्टी को हरियाणा में एक भी सीट जीत की नसीब नहीं हुई थी। साथ ही दिल्ली में भी दोनों दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने की बातें पहले से ही साफ हो चुकी हैं। दिल्ली में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 सीटों पर भी एक ही चरण में चुनाव होंगे। वहीं झारखंड में दो चरणों में चुनाव है। यहां 13 और 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। दोनों राज्यों में वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। आपको बता दें कि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी के बीच 85-85 सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। हालांकि बची 33 सीटों पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग विवाद के बीच शिवसेना के उद्धव ठाकरे में 65 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने 99 कैंडिडेट्स की पहली सूची जारी कर दी है। 99 सीटों पर उम्मीदवारों की सूची में पार्टी के 75 विधायकों को फिर से मौका दिया गया है। साथ ही एनसीपी ने 38 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है।